तुम्हें बहुत संभालना पड़ा सबको है। मैं देख रहा था कि एक एक को तुझे खेल से ज्यादा संभालना पड़ रहा था, लेकिन तुम्हारा एक्सपीरियंस भी तो है 15 साल का लंबा। हाँ जी सर, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा ओलंपिक्स का, काफ़ी साल हो गए और स्पेशली हमारे काफ़ी यंगस्टर्स भी हैं इस टीम में जो इन्हें ज़्यादा संभालना नहीं पड़ता, खुद काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है। और आप नहीं, नहीं वो संभालने वाला बात मैं नहीं कह रहा हूँ, जब आपकी सपनों को थोड़ी सी खरोच आ गई, सपना टूटा नहीं है, तो फिर इन सबको इमोशनल ब्रेकडाउन था। मैं देख रहा था कि कैसे सबको संभालना, क्योंकि आपके कोच भी इमोशनल हो गए थे। तो ये बड़ा कठिन पल था, लेकिन आपने संभाला सबने। पर आपने सर जो उस दिन कॉल किया और आपने इनकरेज किया, तो मुझे लगता है हम उस चीज़ से बाहर आ गए कि हमारा अदरवाइज हमारे अंदर बहुत दुख था कि हम बहुत मेडल के क्लोज जाके वापस आए, बट आपने इनकरेज किया कि आप लोगों ने दिल का मतलब देश का दिल जीता है, तो उस चीज़ ने हमें अच्छा लगा कि प्राइम मिनिस्टर ने मतलब हमें इनकरेज किया फ़ोन कर। आपने आपके जो प्रतिस्पर्धी थे उनके ट्वीट देखे थे क्या, हैं याद है? ब्रिटिश टीम ने आप लोगों की इतनी तारीफ की थी, यानी बोले ये सचमुच में इतने होनहार खिलाड़ी हैं, यानी हर कोई आपकी टेक्निक की चर्चा कर रहा है, लेकिन सभी का था सविता का चेहरा तो कोई जानता ही नहीं होगा। अभी काफी लोगों को पता है, अभी पता चल गया। आप लोग घर हुआ है कि अभी जाना बाकी है? सब जा गया है, तो नॉर्थ ईस्ट जाके आई नहीं गई? बाद में जाओगे। अच्छा, आप में से कोई खास अनुभव बताना है तो मुझे बताइए, मैं सुनना चाहूंगा, जो बिल्कुल आपके जीवन में एक बहुत बड़ी सीख यानी एक अमानत के रूप में आप लेके आई हो। सर हमारे लिए सबसे बड़ी अमानत तो यही थी कि हम हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम सेमीफाइनल में पहुंचे ओलंपिक्स के, और लास्ट टाइम हमने 12 टीम्स में से 12 फिनिश किया था, जो कि हमारा बिल्कुल अच्छा ओलंपिक्स नहीं था, और इस बार फोर्थ फिनिश करना हमारी वुमेन हॉकी के लिए बहुत बड़ी बात है इंडिया में ना, और हम हमारी टीम को लड़कियों ने जो देख के हॉकी शुरू किया, तो मुझे लगता है यही हमारे लिए सबसे बड़ी अमानत है कि बाकी बच्चों ने भी हॉकी शुरू की इंडिया में। देश में अभी एक बराबर बुखार आने वाला है, अब क्रिकेट से लोग या तो फुटबॉल में जाएंगे या हॉकी में जाएंगे, ये आपने इतना तो कर दिया है। बहुत इंक्रेज किया है, मतलब जब हम लोग हार गए थे हम लोग बहुत इमोशनल थे, आपने जब बोला तो पूरी टीम को बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा फील हुआ और सब लोग खुश हुए उस टाइम पे। हाँ जी सर, चोट किसको आई थी? हाँ तो किससे मार पीट की थी? अभी भी है तुम्हारा दाल? हाँ स्ट्रिचेज अभी निकाले नहीं है, निकल गए बड़ा ही, तो थोड़ी सी बच गई, तुम्हारी आँख को नुकसान हो जाता है। मैं देख रहा था करे इसको क्या हो गया, और सचमुच में आपने देश की बेटियों को बहुत प्रेरित किया है और खेल में इंटरेस्ट, ये ओलंपिक अपने देश में मेडल से ज़्यादा खेल के प्रति माँ बाप का विश्वास बढ़ेगा। पहले तो क्या था, एक आध खिलाड़ी की रुचि होती वो कर लेता, लेकिन माँ बाप अरे पढ़ाई करो, जाओ छोटे भाई को ज़रा उसको संभालो, देखो पापा आने का समय हो गया तुम घर में रहो, ऐसा सब होता था। अब बदलेगा इस ओलंपिक के बाद, माँ बाप चाहेंगे कि बच्चों की अगर रुचि खेलकूद में है तो उनको मदद करो, प्रोत्साहन करो। चलिए मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। हाँ आ जाइए सब लोग। हाँ